अपने मनपसंद वीडियोस देखने के लिए इंडिया स्पीक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही ये बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी नए वीडियो आए उसका पता आपको तुरंत चल जाए। नमस्कार, इंडिया स्पीक्स के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सोनिका। आज का वीडियो है दूध के बारे में। दूध एक बहुत इम्पोर्टेंट डेली मील का हिस्सा है हमारे। सुबह पीते हैं, फिर शाम को पीते हैं, हम इनसे बच्चों को भी पिलाते हैं, लेकिन दूध को लेकर कुछ सावधानियां हैं जो हम सभी को ध्यान में रखनी चाहिए। दरअसल क्या है वो सावधानियां? वो सावधानियां ये हैं कि दूध पीने के बाद आपको कुछ चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कुछ चीजों को खाने पीने से बचना चाहिए। ऐसा क्यों? दरअसल वो चीजें दूध के साथ मिलकर पेट में एक गलत कॉम्बिनेशन बनाती हैं, या कहें कि कुछ गलत तरीके के रसायन पैदा होते हैं जिससे आपको पेट से जुड़ी हुई कई परेशानियां हो सकती हैं, आपको फूड पॉइजनिंग की समस्या हो सकती है, इसके साथ ही दूसरी कई तरह की समस्याएं भी आपको हो सकती हैं। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको ना सताए इसके लिए आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर आप दूध पीते हैं तो उसके बाद आपको किन चीजों को नहीं खाना चाहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि कौन सी वो चीजें हैं जिनसे आपको बचना चाहिए। सबसे पहले तो दूध की थोड़ी तारीफ कर ली जाए। भाई, दूध एक कंप्लीट फूड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए, डी, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसे ह्यूमन बीइंग के लिए एक कंप्लीट फूड कहा गया है, कंप्लीट आहार कहा गया है। और अगर ये दूध देसी गाय का हो तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आप दूध को ठंडा भी पी सकते हैं और आप दूध को गर्म भी पी सकते हैं, ये आपको वैसा ही फायदा पहुंचाएगा। दूध के साथ कुछ चीजें मिलाकर पीने की सलाह दी जाती है, वो क्या है? हल्दी है, इलायची पाउडर है, शहद है, इसे अगर आप दूध में मिलाकर पीते हैं, सिनेमन पाउडर है, इसे अगर आप दूध में मिलाकर पीते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो दूध के साथ नहीं लेनी चाहिए, ना ही दूध में मिलाकर पीनी चाहिए और ना ही दूध पीने के बाद खानी या पीनी चाहिए। कौन सी हैं वो चीजें? वो चीजें हैं, सबसे पहला है मछली या चिकन। ऐसा कहा जाता है कि दूध और दही जैसे डेयरी उत्पादों के साथ मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि मछली और चिकन दोनों में ही प्रोटीन काफी मात्रा में होता है और अगर आप इसके साथ दूध भी पीते हैं तो आपको पाचन से जुड़ी तकलीफ हो सकती है, फूड पॉइजनिंग, गैस, अपच जैसी समस्याएं आपको हो सकती हैं। इसके बाद जो दूसरी चीज है वो है उड़द की दाल। जी हाँ, उड़द की दाल विटामिन, मिनरल और फाइबर जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इसके डाइजेशन में थोड़ा लंबा समय लगता है। अब अगर आप इसे दूध के साथ ले लेंगे, दूध पीने के बाद या इसे खाने के बाद दूध पी लेंगे तो डबल डाइजेशन करना पड़ेगा आपके पेट को, यानी फूड पॉइजनिंग के चांसेस और ज्यादा बढ़ सकते हैं। इसलिए उड़द की दाल खाएं तो दूध को या तो 2 घंटे बाद पिएं या 2 घंटे पहले पी लें। तीसरी जो चीज है वो है खट्टे फलों का सेवन, सिट्रस फूड। उसमें संतरा हो गया, मौसमी हो गया, ग्रेप फ्रूट हो गया, नींबू है, लीची है, ऐसे फलों का सेवन आपको दूध पीने के बाद या दूध पीने से पहले नहीं करना है क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है और पेट में जब दूध और विटामिन सी और खट्टे फलों के रस आदि मिलते हैं तो वो एक बेहद भयानक कॉम्बिनेशन पेट के अंदर क्रिएट कर सकते हैं और आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, साथ ही आपको जुकाम, खांसी, कफ और एलर्जी तक हो सकती है। इसके अलावा अगली जो चीज है वो है तिल और नमक। अगर आप कोई भी ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें तिल और नमक का इस्तेमाल हुआ है तो उसके कम से कम 2 घंटे बाद ही दूध या फिर दही का सेवन करें, उससे पहले नहीं करें, यह आपके शरीर के लिए बेहद नुकसानदायक साबित हो सकता है। ऐसा हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं, ऐसा न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं और ऐसा डॉक्टर्स भी कहते हैं। दूध पीने के बाद किन सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए? तो भाई, कटहल और करेला दो ऐसी सब्जियां हैं जिनका सेवन दूध पीने के बाद करने से आपके शरीर को नुकसान पहुंच सकता है, इससे स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। जी हाँ, त्वचा रोग जैसे दांत, खाज, खुजली, एक्जिमा, यहाँ तक कि सोरायसिस की समस्या भी आपको हो सकती है अगर आप कटहल और करेला खाने के बाद में दूध का सेवन करते हैं तो बेहतर है इससे बचे। कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप जरूर रखें। और सबसे आखिरी चीज जो मैं एक और आपको बताने वाली हूँ वो है मूली का सेवन। दूध को कभी भी नमकीन और खट्टी चीजों के साथ नहीं लेना चाहिए।
इसके अलावा किसी भी खाद्य पदार्थ में अगर मूली का प्रयोग किया गया है तो उसके तुरंत बाद दूध नहीं पीना चाहिए। जी हाँ, मूली के पराठे कई बार बनाए जाते हैं और उसके साथ हम बच्चों को दूध पीने को दे देते हैं, उससे क्या होता है बच्चों के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, आपसे दूध को अवॉइड करें। अगर आप मूली के पराठे बना रहे हैं या मूली की सब्जी आदि बना रहे हैं तो उसके बाद आपको दूध का सेवन नहीं करना है। तो दोस्तों, इंडिया स्पीक्स का ये वीडियो था आपकी हेल्थ के बारे में, दूध के बारे में, दूध पीने के बाद किन चीजों को आपको अवॉइड करना चाहिए उसके बारे में। उम्मीद है ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। इंडिया स्पीक्स पर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लेकर आते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है, साथ ही नोटिफिकेशन की बेल भी दबानी है ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आप तक ये सबसे पहले पहुँच जाए। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार। अपने मनपसंद वीडियोस देखने के लिए इंडिया स्पीक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही ये बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी नए वीडियो आए उसका पता आपको तुरंत चल जाए।